साली लज्जो तू क्या पेट से है, दरवाजा नहीं खोल सकती थी उठ के, आधे घंटे से बाहर खड़ा भोग रहा हूँ, एक घंटे से मुता नहीं है, मैंने ट्रैफिक के बीच में किसी तरह रोक के रखी थी, गड्ढे पे से ऑटो निकलता था ना तो मेरी सांस रुक जाती थी, कहीं झटके से मेरा मुता निकल जाए, और तुम कभी न्यू कान पे जू तक नहीं रेंगती। एक बात पूछूं? हाँ पूछ। कभी भी तुम लड़कियां क्यों नहीं प्रपोज करती हम लड़कों को? अबे बहुत सालों पहले सूर्पनखा ने कोशिश की थी ना, उसकी नाक काट दी गई, वो डर आज भी जिंदा है हम लड़कियों में। खून खराबी से मैं भी नहीं डरता। तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता है। इतना सुसु लाते कहां से हो तुम? हमारे पास तो इतना नहीं है, है? और रखते कहां? ये तालाब तुमने भरा? आधा घंटा रोक नहीं सकता था क्या? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? क्या से काम चल रहा है? निकलो, बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो। डायरेक्टर साहब क्या रिलैक्स यार, यहाँ पे शॉर्ट। अच्छा चलो आज ये बताओ सब कि कौन क्या क्या खाकर आया है। मैं तो मटर पनीर खा के आया हूँ। मैं पालक पनीर खा के आया हूँ। और तू क्या खाकर आया है बोलना। मैं लेग पीस खा के आया हूँ। यहाँ 1 जनवरी आ रही है, अब नया साल आ रहा है तो सबको खुशियाँ मना रहा है, लेकिन शादीशुदा आदमी से कहना है कि यहाँ खाली साल बदलता हुआ गोय मेरहारू ना, तो हमें खुशियाँ मनावा तनी। बैगन भरता बहुत पसंद था इनको, माँ बैगन लेने गई है, बैगन भरता खाए बगैर चला गया, अरे ऊपर क्या भजिया खाएगा। सुनो जी, आपने सुबह सुबह मेरे ऊपर इतना सारा पानी क्यों डाल दिया? तेरे बाप ने ही तो कहा था कि मेरी बेटी फूल जैसी है, उसे मुरझाने मत देना, तो इसलिए डाल दिया पानी। अच्छा तू कौन है? ये गाड़ी मेरी है। आ तो मैं तो रस्ते पे जा रहा था, पेल पूरी खा रहा था ना नाई, ये गाड़ी चला रहा था, लड़की घुमा रहा था ना? गाड़ी यूं चला रहा था। फिर मिर्ची कहाँ लगी हुई जब कुछ खाया ही नहीं? मिर्ची लग गई मेरी जिंदगी को। कैसे? अगले ही दिन न्यूज में आया हुआ है एक्सीडेंट। अर्जुन, 100 बकरियों के चिल्लाने से शेर अपनी चाल नहीं बदलता, लेकिन शेर की एक दहाड़ से पूरा जंगल भागने लगता है। देखेगा तू भी नहीं देखेगा, मेरी गर्लफ्रेंड जा रही है, समझा क्या? मेरी गर्लफ्रेंड जा रही है, कोई नहीं देखेगा, नीचे नीचे देख, नीचे देखेगा, तू भी किधर नहीं देखेगी, तू भी किधर नहीं देखेगी। बता आपने संगीत कहाँ से सीखा? घाट को प्रवेश। घाट को प्रवेश आपने किससे सीखा? सीताराम गायकवाड़। उस लड़की को इतना घूर घूर के क्यों देख रहे थे? तुम्हारी आंखों में कोई एक्सरे है जिसे तुम कपड़ों के अंदर देख सकते हो? काश। You guys are... क्या माल है यार, यही कहते हैं लड़कियों को देखकर, जिस दिन किसी लड़की के बाप बन जाओगे ना, उस दिन लड़की माल नहीं घर का मान नजर आएगी। और भाई चौधरी। हाँ भाई, क्या हाल है? बस ठीक है। ठीक है? हाँ जी। सुना तुम्हारी बहन जवान हो गई? हाँ यार वो तो है। मेरा बेटा भी जवान हो गया, तो उसकी शादी कर। तो तेरे पास के आम लेने आया हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। कैसे नहीं होता? नहीं होता है तो नहीं होता है बस। तुम्हें कहीं नहीं होता ऐसा है, ये गुंडा गर्दी अपने घर में दिखाना यहाँ नहीं चलेगी। अपने घर में गुंडा गर्दी दिखाने के लिए गुंडा बने हम? हद है बेवकूफियत की। प्रभु आप आ गए। प्रभु अजय मांगना है, जल्दी मांगो। प्रभु मुझे दुख दीजिए, मुझे दर्द दीजिए, मुझे बर्बाद कर दीजिए। प्रभु बोलने की बीवी चाहिए। आप कैसे जान गए प्रभु? आप मैं जानता हूँ कि तुम इच्छाधारी नागिन हो। तो क्या चाहते हैं आप? मुझे मणि चाहिए। मणि तो नहीं है, मोनी चलेगी। जिंदगी बर्बाद हो गया,
इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है, रोमांस नहीं करते, डांस। क्या आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, या फिर पड़ोस की लड़की आपको लाइन नहीं देती, या फिर सभी लड़कियां आपको भाई बोलती हैं, तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए लॉगिन करिए www.heybhagwanuthalo.com पर। क्या आपकी गर्लफ्रेंड अकबर कौन था? ऋतिक रोशन। और जोधा भाई कौन थी? सेटिंग ही ऋतिक रोशन की। इतिहास कमजोर थोड़ी है, और सुन लो, उससे पहले सलमान। तो ये है ना मेरा फ्रेंड सुमीर, वो मेरा पूरा दिन मेरा पीछे पीछे चल के वो मेरा पैंट को भी कवर कर दिया। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड। आखिर तू चाहवे क्या है? फिर से सेटिंग। शकल देखी तूने अपनी कभी? हाँ हाँ, अब भी देख रहा हूँ तेरी आँखों में। चल हट पागल कहीं का। पागल भी तो तने ही बनाया। तेरे जैसे आशिक बहुत देखे मैंने, और उन्हें ठीक करना भी जानू। अरे रुको, तो क्या कर रही हो? और बेटा सुना है कि तू बहुत ज्ञानी हो गया है, मोहल्ले में सबको ज्ञान बांटता फिर रहा है आजकल। मेरा एक सवाल का जवाब दे सकता है क्या सर जी? पूछो। हाँ तो ऐसी समस्या बता जिसका समाधान करो तो भी प्रॉब्लम और ना करो तो भी प्रॉब्लम। हाँ तो सर जी मान लीजिए कि कोई पब्लिक प्लेस में बहुत सारे लेडीज के बीच आपके लुंगी में आग लग गया। साले क्या बोलना चाहता है तू? अरे सर अब देखिए, उस स्थिति में अगर आप अपनी लुंगी उतारेंगे तो भी प्रॉब्लम, नहीं उतारेंगे तो भी प्रॉब्लम। ओहो आज बड़ी अच्छी लग रही हो। थैंक यू। वैसे तुम्हें पता, तुम ना बहुत क्यूट सी, गोलू मोलू सी, एकदम टेडी बियर जैसी दिखती हो। सुन सीधा सीधा मोटी बोल ले, ऐसे फालतू की बकचोदी ना कर। भाई एक शायरी सुना दूं? सुना दे, मानेगा तो है नहीं तू। अच्छा तो सुन, चल रही है गाड़ी पीछे बैठी है सवारी। वाह वाह। चल रही है गाड़ी पीछे बैठी है सवारी। चल रही है गाड़ी पीछे बैठी है सवारी। आगे आगे ड्राइवर। स्किन टेस्ट मालूम है? स्क्रीन टेस्ट का टाइम अलग और स्किन टेस्ट का टाइम अलग होता है। स्किन टेस्ट क्या होता रखेंगे? ठुकाई। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको? नहीं मुझे वाकई में नहीं बताया रखेंगे। हाय हाय मेरे दोस्त, क्या इनोसेंट हो तुम। यार सिब्बू आज तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? क्योंकि आज मैं स्कूटी से आई हूँ, और तुम्हें तो पता ही है स्कूटी पर तीन लोग नहीं आ सकते। कल जब मैं पैदल आऊंगी तो आ जाना मेरे घर पर, आ जाऊंगी तुम दोनों के साथ। आई लव यू। आई लव यू टू। लेकिन सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती। हाँ मालूम है, कमाना भी जरूरी होता है। अबे लोडू जोतना भी जरूरी है, वरना तू कमाता रह जाएगा और जोत के कोई और चला जाएगा। अच्छा बेटा, मिसेस वर्मा आलू चाट की दुकान खोलने का सोच रही है, तो उसका टैग लाइन पूछ रही थी, जो दुकान के बोर्ड के बाहर लगा होता है ना वो, तो थोड़ा सोच के बता, मैं बाद में बताता हूँ। अरे बनछोड़दास तू ही बता दे बेटा। मिसेस वर्मा की चाट लो। अजी सुनिए पप्पू के पापा। हाँ बोलो, अब क्या हुआ? ये सामने वाले घर में बीवी और मर्द रात भर से झगड़ा कर रहे हैं, आप जाके देखिए ना एक बार। मैं दो बार गया था, उसी बात का झगड़ा हो रहा है, अब और नहीं जा पाऊंगा यार। भाई टाइम क्या हो रहा है? ढाई बज रहा है। ढाई मतलब 2:30 भाई? हाँ तो 2:30 बोलना। साले पढ़े लिखे झाइल। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। वो छोड़ो, मैंने सुना है तूने गांव में शादी कर ली। अबे शादी हो जाती लेकिन गलती हो गई मुझसे। क्या हुआ? अबे काजी साहब पढ़ा रहे थे निकाह गलत। हा? मैंने बोला भाईजान आप निकाह गलत पढ़ा रहे हो, आप बैठो मैं निकाह पढ़ाता हूँ। शकीपा आई बेजी। एक लड़की ने मेरा वॉलेट चुरा लिया। वॉलेट? पर्स। अच्छा कहाँ रखा था? यहाँ ब्लाउज में। पर्स निकाल रहा था आपको पता चला? पता तो चला था, फिर रोका क्यों नहीं? मुझे क्या पता था वो पर्स में इंटरेस्टेड है। डीनो वो मैं सोची थी कि मैं आज सोफे पे सो जाती हूँ। कम ऑन यार,
हम दोनों सोफे पे पूरे कैसे आएंगे? मेरे कहने का मतलब था कि तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। हाँ अच्छा, और आज इतनी माँ, मेरे साथ कोई और भी है। कौन है ये? कौन है? जेनिफर। हाँ। घर से भाग के आई है? चीची माँ, ये ऐसी लड़की नहीं है, मैं इसे भगा के लाया हूँ। ऐसी कौन सी गाड़ी है ना? जिसको चलाने के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए? ऐसी कोई गाड़ी नहीं है। अबे है। अरे हर गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस लगता है। मैं बोल रहा हूँ ऐसी एक कार है जिसको चलाने के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। कौन सी? जो बच्चा मुझे 20 तक गिनती सुनाएगा मैं उसे किस दूंगी। मैडम मैं पूरे 100 तक सुना दूंगा, आप पहले पूरी स्कीम तो सुनाओ।